मारवे समुंदर, समुंदर याने हजारों किस्मों से भरा खरा पानी का संग्रह नहीं है, ये एक सुंदर सा रौद्र सुखंड खटकेश्तर की भूमि है। भूत, भूतों पे मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अनुभव होने के बाद यकीन करना ही पड़ा। कुछ हफ्ते पहले मेरा नाम रॉबर्ट डिकोस्टा है, मैं एक अनाथ हूँ। मेरा पूरा परवरिश मेरे फादर ने ही किया है, मदर टेरेसा चैरिटेबल ट्रस्ट में। मेरे फादर ही मुझे माँ, बाप, भाई, बहन, दोस्त, सब कुछ। ओह, बाय द वे, अनाथ बोलकर फादर के बारे में बोल रहा हूँ ये सोच के कंफ्यूज हो रहे हो क्या? फादर यानी हमारे चर्च फादर, उन्होंने कभी भी मुझे अनाथ होने का फील नहीं करवाया। एक छोटे संसार में बड़े होने के बदले एक बड़े संसार में बड़ा होकर मेरी जिंदगी बहुत ही खुशदायक था। बाय द वे, मैं एक ऑर्थोलॉजिस्ट हूं। पक्षियों के बारे में संशोधन करना, उसके लिए अध्ययन करना, यही मेरा काम है। मैं मेरी जिंदगी में बहुत खुश हूं। लेकिन चलो ऑफिस चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शिवया। ये है शिवया, हमारा वॉचमैन, बहुत ही अच्छा इंसान है। हाय शीला। हाय रॉबर्ट, यू लुकिंग सो हॉट। हे रॉबर्ट। हे, ये जवानी है। ओह सॉरी, भास्कर है। हाय। हाय, ये दया और वो अविनाश। हाय रॉबर्ट। हाय प्रदीप। कलंजी से देखा क्या? देखा,
ये प्रदीप है। रॉबर्ट, कुड यू प्लीज कम इन माय केबिन? बाय द वे, दैट्स माय बॉस। उनका नाम है डीके बोस, बट हम सब लोग प्यार से उन्हें बोस डीके बुलाते हैं। वैसे अच्छा इंसान है। बाय द वे, डीके यानी देवया कम संद्रा, गलत मत समझिएगा। कम Hi Robert, have a seat. What about your documentary? Are you done with it? Sir, documentary to ready hai, lekin kuch to missing hai. I want to do something really special. Uske bare mein soch raha tha, sir. Okay. Try to make it ASAP. Kyunki ye bahut hi important hai. Use NGC mein dene ke liye, we are left with only 90 days. Okay, sir. I will do it, sir. Thank you. Yeah. साहब, 9:30 बज गए साहब। काम करते करते वक्त का पता ही नहीं चला, लेकिन मैं चलता हूं साहब। ठीक है।
आओ, तुम यहाँ आओगे मुझे पता था। क्या आप मुझे बोल रहे हो? अच्छा बाबा, मैं यहाँ आऊंगा, ये आपको कैसे पता चला? नींद नहीं आ रही है ना तुम्हें? हाँ। अरे बाबा, मुझे लगा आप कुछ बोलोगे। आप तो मेरे सपने से भी डेंजर हो, मुझे नहीं चाहिए आपका संगत। जाओ, जहां जाना चाहते हो जाओ, लेकिन घूम कर वापस यहां आओगे ही। सर, जो डॉक्यूमेंट्री तुम शूट करने वाले हो, उसके लिए एक अच्छा लीड मिला है। जल्दी से ऑफिस आ जाओ। यस सर, आई एम ऑन माय वे। मॉर्निंग सर। रॉबर्ट, लुक व्हाट आई हैव गॉट फॉर यू। कौन है सर ये? तुम्हारी उल्लू वाली डॉक्यूमेंट्री से ये उल्लू हमें मिला है। व्हाट? यस रॉबर्ट, तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री का ईगल आउल बच्चों को किसी जगह से चुरा कर दूसरे जगह बेच रहा था। उस वक्त हमें मिला है, ये बच्चों को रिहैब में बेच रहा था, वहां पर हमने देखा, फिर उसे यहां लेकर आए हैं। आई होप ही विल बी हेल्पफुल फॉर योर डॉक्यूमेंट्री, इसलिए पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। राइट सर, क्या है तेरा नाम? रजाक सर। क्या? रजाक। रजाक, रजाक है तू? रजाक, उस उल्लू में कितना विशेषता है तुझे पता है? बोल कहां से चुराया? माँ कसम सर। कहाँ लेके जा रहा था बोल? माँ कसम सर, मैंने नहीं चुराया सर। फिर वो तेरे पिंजरे में अपने आप आकर गिर गया। ये कौन है यार? मारवे समुद्र में एक छोटा सा लड़का आया और ये मुझे देकर गया। माँ कसम सर। कहाँ? मारवे समुद्र। मारवे समुद्र। सर, मुझे उस जगह पे जाना है सर। परसों मेरी डॉक्यूमेंट्री में कुछ मिसिंग है, मैंने बोला था ना सर, मुझे भी कुछ स्ट्रॉन्गली ऐसा लग रहा है मुझे वो वहां मिलेगा करके। कैन आई गो सर? आर यू श्योर? यस सर। सर, उस उल्लू के वाइल्ड चिल्लाने अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाया सर। आई कैन बी द फर्स्ट वन सर। इट विल बी अ ह्यूज पुश सर अपने डॉक्यूमेंट्री के लिए। मैं जाऊं क्या सर? ओके रॉबर्ट, गेट इट डन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इसे भी लेके जा रहा है या पुलिस को हैंडओवर कर दें? पुलिस? नहीं सर, प्लीज सर। मेरे साथ आएगा या जेल में जाएगा? उनके बातों के साथ लात खाने से अच्छा है इनके साथ टूर पर ही चला जाऊं। अरे कुछ नहीं यार, माँ कसम सर, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सर, दया करके मुझे अपने साथ लेकर चलो सर। आज दिन के टाइम मुझे अच्छा से खाना मिलेगा और करलन का गद्दा मिलेगा ना सर, तो आपके साथ मैं कहीं भी चलूंगा। अरे कहीं भी क्या, मैं तो शमशान तक चलूंगा। ओके रॉबर्ट, गो अहेड, हमारी टीम की तरफ से तुम्हारे रहने खाने और बाकी का बंदोबस्त हो जाएगा। थैंक यू सर। मारवे समुद्र कहाँ आता है? जस्ट ए मिनट सर। आजा बाहर आजा। ए सिरी, रूट मैप ऑफ मारवे समुद्र प्लीज। रूट मैप ऑफ आईफोन मालिक समुद्र। या शी इज वेरी क्यूट। माँ कसम, मेरा जो कुछ भी इसी के साथ है। हाँ, व्हाट आई मीन सिरी, सिरी के साथ। सिरी, आपके बारे में इन लोगों को नहीं पता है, अनएजुकेटेड पीपल्स हैं। ये आसमां सब तेरे ही गुनगाए, ये आसमां सब तेरे ही गुनगाए। सारा जहां, सारा जहां, सब तेरा है ये जहां।
ख्वाजाओ से सजा, एक ऐसा महल है यहाँ, मंदिरों से सजा, हरा भरा ये है वन मेरा। नदियाँ बहती सागर से मिलती, कलाकृति भी विद्वानों से भरी ये धरती, हमको वरदान है ये धरती, सब सारे तेरे गुण गाएं, ये झरने सब सारे तेरे गुण गाएं। क्या चाहिए? ओ मेरे गुंडू मामा, बहुत तेज भूख लग रही है, खाने के लिए क्या है तुम्हारे पास? हमारे पास पराठा है, बीफ रोस्ट है, बीफ बिरयानी है, कबाब है, आपको क्या चाहिए? भूख तो बहुत तेज लगी है, लेकिन मैं अब खा नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो जो तुम्हारे पास है उसमें से कुछ भी मैं नहीं खा सकता, क्योंकि गाय को मैं भी अब माता का दर्जा देता हूं। गौ माता को हमने भगवान का दर्जा दिया है, लेकिन तुम लोग उसे काट खा रहे हो, और तुम सब इंसानियत के नाम पे कलंक हो, तुम सब कलंक हो, सब कलंक। जल पात है ये जो लगे मधुर वाणी, हरा भरा सा लगे वर्षा से ये भी सजे, जमी लगे स्वर्ग सी जैसे गगन सी, रंगों से है भरी शांति सुधामा शौर्य धामा, कवि महान यहाँ, ये धरती सब सारे तेरे गुण गाएं, ये झरने सब सारे तेरे गुण गाएं। क्या हुआ सर? सर मैंने पहले ही आपको बोला था कि पहिए के नीचे लींबू रखो, देखा ना, बीच सड़क पर धोखा दे दिया ना इस गाड़ी ने। चलो डीजल लेके आते हैं। सर रात को बीच जंगल में डीजल? नो वे, नॉट कमिंग। मैं हूँ ना, चल अभी। ये क्या सऊदी अरब है जहाँ कहीं भी डीजल मिल जाएगा? डीजल कहीं मिलेगा क्या? अरे भाई तो जंगल में, यहाँ कहाँ डीजल मिलेगा? अब क्या होगा? अल्लाह, जब इंसान के हालात खराब होते हैं तो ऐसा ही होता है। कुतुब मीनार देखने के लिए, चार मीनार देखने के लिए लोग जाते हैं, वो तो देखा है। पुरानी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए उसके लवर को भटकते हुए भी देखा है। अरे पुरानी बेबी को ढूंढने के बदले पुराने उल्लू को ढूंढने आया है। इसको भी अपने साथ जंगल जंगल भटकाने के लिए मेरे अलावा कोई नहीं मिला, मैं ही मिला। सर क्या, सर ऐसा क्या खास है इस उल्लू में? सर उसे हम स्पॉट बेलीड ईगल कहते हैं, बहुत ही विशिष्ट पक्षी है। इसे डेविल आउल या फॉरेस्ट ईगल आउल कहके बुलाते हैं। इसका साइंटिफिक नाम है बुबो निपलेंसिस।
इसे भूत के उल्लू कहने का कारण इसके दो विशेष सिंह हैं। इसे भूत के उल्लू नाम श्रीलंका से आया है। इस पक्षी की कई विभिन्नों में से मेरा नींद उड़ाया है उसका खतरनाक चीख। इस पक्षी की चीख पूरे दुनिया में कई लोगों की नींद उड़ाया है, यह सच है, क्योंकि वो चीख एक दुखी लड़की की रोने जैसी है। इसका चीखना जैसे खतरनाक है, लेकिन उसका उड़ान निशब्द है। सामान्य तौर पर इस पक्षी का वजन 1.5 से 2 किलो तक होता है। ये इतना आसानी से किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन चीख 3 से 6 सेकंड तक सुनाई देता है। श्रीलंका के महाकाव्य में इसके बारे में एक उपकहानी है, सुन। एक गांव में एक राजा था, वीर शूरवीर, नवविवाहित। इसकी वीरता से हारकर आजू बाजू गांव के राजा लोग दान भेंट देते थे। इसके बाद भी अपने राज्य को विस्तार करने की लालच में अपनी रानी को राजमहल में ही छोड़ के अपनी सेना के साथ लड़ाई के लिए निकल गए। लड़ाई के लिए गया राजा, सबके साथ युद्ध कर जीत कर अपना राज्य को विस्तार करके राजमहल में लौटता है। राजमहल में लौटा राजा अपनी रानी गर्भवती है सुनकर खुश हो जाता है। पूजा अनुष्ठान का व्यवस्था करके अपनी रानी की गोद भराई धूमधाम से मनाता है। फिर भी राजा को एक ही चिंता अंत तक सताता रहता था कि पैदा होने वाला बच्चा अगर मेरा नहीं हुआ तो। ये सब उलझनों के बीच वहां रानी को लड़का पैदा हुआ। राजमहल में खुशियों का वातावरण बन गया, लेकिन इस राजा के मन में शक का भूत दिन भर दिन बढ़ता ही गया। अचानक एक दिन राजा अपनी बीवी के पास जाकर प्यार से बात करके वो खुद खाना बना के परोसेगा करके बोलकर खाने में आवाहन दिया। रानी आश्चर्य होकर खुशी से सज धज के राजा के आवाहन में पहुंचती है। राजा तैयार किया हुआ सब खाना रानी को परोसता है। खुशी से खाना खाते हुए रानी को खाने में बच्चे का उंगली मिलता है। डर के मारे ये क्या है करके पूछी, तब राजा, अभी पैदा हुआ बच्चा मेरा नहीं है, मैं युद्ध के लिए गए वक्त तो दूसरे के साथ रंग रलिया मना रही थी। जो बच्चा मेरा नहीं है वो मेरे राज्य का राजा नहीं बनेगा, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है करके मैंने उसे काट डाला। इसका बात सुनकर रानी को अपने बच्चे का हालात देखकर दिल टूट गया। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक मेरी चीख सारी दुनिया को सुनाई देगी करके राजा को अभिशाप देकर राजमहल के पीछे के जंगल में जाकर खुदकुशी कर लेती है। उसकी आत्मा उल्लू के शरीर में जाकर अभी भी इस पक्षी की चीख दर्द से चिल्लाती हुई एक लड़की की तरह सुनाई देती है। इसी को ही भूत की पक्षी कहते हैं। समझा गया? या ला, क्या बोल दिया यार। ख्वाजा गरीब नवाज की कसम, कुछ नहीं पता था हमें, हिस्ट्री में मिस्ट्री मिला के हमारा भेजा फ्राई कर दिया तुमने। अब नसीब में लिखा कंकर तो कहाँ मिलेगा शंकर। चलो भाई, मुंह बंद कर और चल। चलना ही पड़ेगा, तेरे साथ पाला जो पड़ा है। रजाक सर, इधर उधर नजर फिराते रहना। क्यों सर? वो उल्लू यही कहीं दिख सकता है। हमको भी दिखेगा सर? एक लड़की के रूप में भी दिख सकता है। मुझे डर लग रहा है सर, मुझे डर लग रहा है। संभाल के सर, डीजल बाद में भर लेंगे, पहले मैं अपना खाली कर लेता हूँ। माँ या अल्लाह, सर चुड़ैल, भूत भूत सर। अरे अगर ये पीछे पड़ गई तो शादी से पहले ही मेरा सारा काम तमाम हो जाएगा। चलो सर गांव वापस चलते हैं। वाह, कितना खूबसूरत है, इसे चुड़ैल बोल दिया। अरे वो डरपोक, आजा आजा आजा, एक सेल्फी लेते हैं। अरे सर ये सेल्फी एल्फी छोड़ो, चलो सर गांव वापस चलते हैं। चलो yeah.
हे, मेरे फोन में बैटरी लो है। तेरे पास सीरी है ना, फोन ला, एक सेल्फी लेते हैं। सीरी, कहीं ये तुम्हारी और मेरी आखिरी सेल्फी ना हो जाए। ए, ये छोड़ेगा नहीं, चल एक आखिरी सेल्फी ले लेते हैं। क्या सर, आप मुझे ऐसा क्यों सता रहे हो? रास्ते में किसी ने लाश लाश बोला, यहाँ आकर देखा तो भूत और इस चुड़ैल के भी दर्शन आज ही होने थे। या अल्लाह, अब तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मुझे बचा सकता है। जल्दी आ। आया सर, आया। इतनी शानदार हवेली, वो भी जंगल में। आ, कितना बड़ा घर है, बाथरूम जाने के लिए ऑटो करना पड़ेगा। सब ऊपर वाले के ऊपर है। चलो भैया, चलो चलो। अगर इस साल देर से बारिश हुई तो अच्छा फल मिलेगा। हाँ वो सच है साहब। खेत से सारी सुपारी गोडाउन में रख दी है ना? कर दिया साहब। गोडाउन में मिर्ची कितनी है? गिनना पड़ेगा साहब। और सुपारी कितनी है? 150 है साहब। इस बार सुपारी और मिर्ची एक साथ मार्केट में जाने चाहिए, याद रखो। ठीक है साहब। ठीक है, तुम लोग जाओ, कल बात करते हैं। ठीक है साहब। आहा, घर तो बहुत ही बढ़िया बनाया है, लेकिन इस जंगल में ऐसा घर बनाना जरूरी था क्या? बैंगलोर से आके थक गए होंगे, जाके आराम करो। अरे सर, ये तो हमारी पूरी हिस्ट्री जानता है, हमें इन लोगों से सावधानी के साथ रहना होगा सर। आप लोगों के आने की खबर आपके बॉस ने मुझे पहले ही दे दी थी। सर ये तो अपनी ही बकबक करते जा रहा है सर। इन लोगों का पीछे के घर में रहने का बंदोबस्त करो और इन लोगों की खाने पीने की व्यवस्था करो, इन्हें कुछ कम नहीं पड़ना चाहिए। जी भैया। इन्हें गेस्ट हाउस में रुकने का बंदोबस्त करो। क्या भेजेगा यार, ये कौन है? ये तो मेरे को रामू काका लगता है। या मेरे अल्लाह। भैया मैं मुंबई जाकर आता हूँ। जरा संभल कर, फोन करना मुझे, जा सकते हो। ठीक है भैया। भाभी जाके आता हूँ। सर झुका कर आना। क्या तुझे हम लोग नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे जो सर लगेगा? तू मुनिया है ना? हाँ सर। क्या हुआ? मिलेगा कि नहीं पता नहीं। मेरा नाम रॉबर्ट है। हाँ। ये रजा। सिरी, 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 कौन है सिरी? तुम दोनों ही आए थे ना? सिरी, सिरी मेरी गर्लफ्रेंड है, मतलब मेरा मोबाइल है। ओ ऐसा है क्या? ठीक है ठीक है, आइए आइए। सर संभाल कर, सर संभाल कर आना, चोट लगेगी। सर इस जगह में सर क्या, अपना पिछवाड़ा भी संभालना पड़ेगा। बाहर काले सर कुछ रूल्स के बारे में बोल रहे थे ना? वो क्या है कि रात को 8 बजे के बाद ना आप लोग बाहर नहीं जा सकते। और फिर इनकमिंग? वो इधर ही। और आउटगोइंग? तो वो यहाँ नहीं, खेत में। उधर जाने के लिए लाइट तो है ना? वहाँ जाने तक लाइट है। तब ठीक है, लेकिन वहाँ जाने के बाद लाइट नहीं है। तब तो यहाँ से जाने तक नहीं जाना ही बेहतर होगा। वो आपके ऊपर है। अबे अबे तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। जगह थोड़ी छोटी है, आराम से संभल कर आना। अच्छा हाँ? रात को 8 बजे के बाद बाहर क्यों नहीं जा सकते? चलो ऊपर चलकर सब बताता हूँ, यहाँ बता दिया तो तुम्हारा ऊपर आना मुश्किल हो जाएगा। वो क्या है ना कि यहाँ भूतों का खतरा है, रात के 8 बजे के बाद भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। अच्छा, अगर हम लोग जब सोए हो तब भूत आकर हमारा गला दबा देगा तो? वो यहाँ पर नहीं आएंगे यार। मेरे मालिक ने पूरे गांव की नाकेबंदी कर दी है। वो उस पहाड़ के पीछे एक बड़ा सा कुआं है, वहीं पर वो घूमते रहता है, उसको छेड़ना कभी मत। क्या क्या करेगा वो? अभी तक 4-5 लोग मर चुके हैं, कई लोग गायब हो चुके हैं, तुम देख लेना। अच्छा एक बात तो बता, वो भूत आदमी है कि औरत है? वो मारता है या मारती है? भूत आकर जब तेरा गला दबाएगा ना तब कपड़े उतार कर देख लेना। भूत के बारे में आगे से मजाक मत करना, समझा? मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। ये तुम्हारा रूम है, यहाँ शांति से रहना। सर
भूत प्रेत का नाम लेके ये शांति से रहने के लिए बोल रहा है। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। अबे मरने के बाद तू क्या कर लेगा आके? जब भूत आएगा तब बुला लेना। अबे है कौन यार ये? भूत 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 भूत। मैं डरता वरता नहीं हूँ, आप भी मत डरो। आओ आओ, आप पहले चलो सर। या अल्लाह ये क्या है? पेड़ अपने आप कैसे हिल रहा है? या अल्लाह अगर ये पेड़ हिल हिल के गिर गया तो। बेटी नाचो नाचो। और यह जंगल में घुमा रहा है। सर सर रुको 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 सर रुकिए। या अल्लाह यहां बैठ जाऊं क्या? या अल्लाह मुझे बस संभाल लेना, बाकियों के साथ कुछ भी करना चलेगा। ओ सर पूरा इन्वॉल्व है। अरे ओ संभा कितने उल्लू है। देखो सर यहाँ ऐसे पूछेंगे तो कौन बताएगा उल्लू के बारे में? अरे आखिर ये तो बताओ कि इस उल्लू का क्या चक्कर है सर? अल्लाह चलो सर हम लोग अपने गांव चले जाते हैं वापस। मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो सर, सर सर मेरी बात मान लो सर। अरे सर मैं तो टूर के चक्कर में आपके साथ आया था और यहाँ आकर फंस गया हूँ सर। अरे चीता आकर कहीं पीछे से पकड़ लेगा तो क्या करेंगे सर? अरे इसको तो चीता से भी डर नहीं लगता है, सीधा जा रहा है, मेरी बात को सुनकर भी अनसुना कर रहा है। अब मैं क्या करूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। अबे कहाँ है उल्लू, कहाँ है बे तू उल्लू? कुछ नहीं सर, उल्लू को बुला रहा था, आप चलते रहो। यहाँ तो आदम के जमाने के लोग बैठे हैं सर, इनसे उल्लू का एड्रेस पूछते हैं ना सर। अरे चाचा जी नमस्कार। नमस्कार। सुबह से उल्लू ढूंढ रहे हैं, अब जाके आप लोग मिले हो। मतलब यहाँ कहीं उल्लू मिलता है ना? उसका घर कहाँ है, कौन से रास्ते में है, उसका घर का नंबर क्या है? अगर बताएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की। अब ये कौन काली आया बे मोटरसाइकिल में बैठ के? तुम लोग काले के घर में आए हो ना, तुम्हारा जो भी काम है वो करके जल्दी से निकलो यहाँ से। काले के घर पर आने वाले कोई भी ज्यादा दिन तक नहीं बचे हैं,
समझा क्या? कौन था वो? ये बाजू के गांव का जमींदार है। वो किसी पे भी तलवार उठा सकता है। खाली इधर उधर घूमता है। वैसे काले और इन दोनों के बीच में क्या लफड़ा है? वो छोड़ो, तुम लोग किस काम के लिए आए हो? वो काम कर लो। वो कुछ उल्लू उल्लू कर रहे थे। वो छोड़ो, अरे उस उल्लू के चक्कर में खुद उल्लू बन जाएंगे हम। सर, इधर का चक्कर मुझे ठीक नहीं लग रहा है। घर चलते हैं, वहां तोता मिलेगा, उसको देखकर आराम से सो जाते हैं। चलता हूँ चाचा जी। वहां पर कुछ नहीं है सर। अब आगे आगे चलो, कहीं मधुमक्खी ने आकर काट दिया तो। हे भगवान, यहाँ कहीं ठंडा वंडा की दुकान होगी तो चल के ठंडा पीते हैं सर। सर, क्लोज्ड। इसके आगे डेड एंड। सर, इसके आगे रास्ता पूरी तरह से बंद है, मां कसम। सर, अभी खेल खत्म, नाटक बंद। चलो सर, घर जाकर बिग बॉस देखते हैं। क्या बात है, रास्ता बना दिया, रास्ता बना दिया तुमने। बाबा, हाथी जहां से जाता है रास्ता वहीं से शुरू होता है। क्या हो गया रे बाबा, मेरा लकड़ी कहाँ है? यहाँ है। और कितना घूमना पड़ेगा पता नहीं। अच्छा, वो देख पेड़ के ऊपर, वो है हमिंग बर्ड। पीछे की तरफ उठने वाला केवल एक ही पक्षी है। सुंदर है ना? क्या सुंदर उंदर, मेरे को कुछ नहीं मालूम। चलो हम लोग वापस चलते हैं। अरे वापस जाने को बोला था, ये तो आगे आगे जा रहा है। अरे अरे, 500 ग्राम के उस उल्लू के लिए 50 केजी के सुंदर बेबी को मार के ही रहेगा ये। देख लेना आप, अगले जन्म में आप एक भयंकर पक्षी बनोगे। पक्षी क्या, उसका गोबर बनोगे आप, देख लेना। अरे मैं बोलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा है। सर रुको, मैं आया। अरे मेरे लिए रुक तो जाओ सर। सर मैं रुकने को बोल रहा हूँ और आप चढ़े जा रहे हो। अरे बाहुबली फिल्म के प्रभास के जैसे आप तो चढ़ गए, लेकिन अब मेरा क्या होगा सर? मेरी माँ, अम्मा, अरे मेरी मैया। अरे सर, हाथ दीजिए सर। सर, अरे ये तो गायब ही हो गया। अल्लाह, अरे टूट गया रे, हड्डी टूट गई मेरी। लगता है मेरी परीक्षा लेने के लिए इस पेड़ को यहाँ पर लाकर रख दिया। श्री, इम्पॉसिबल पर्टिकुलर इन दिस ग्रीन डर्टी प्लेस, ओला और उबर अवेलेबल। योर सिग्नल इज वीक। हाथ में चाहे कितना भी कीमती फोन हो, अगर सिग्नल ना हो तो बिना डीजल के गाड़ी जैसे हो जाती है वो। सर सर सर, हे मेरी अम्मा। सर चप्पल चप्पल। मेरी जिंदगी में लोगों ने मुझे कहाँ कहाँ छोड़ा, और ये जंगल में साथ छोड़ रहा है। अब तू मेरा साथ छोड़ेगा क्या? रास्कल कहीं का रास्कल। सॉरी सर, सॉरी, संभाल के। पीछे कुछ चुप गया सर, अब थोड़ा सेफ है, अब ठीक है। भगवान, भगवान की मूर्ति, जय हो जय हो। ते भगवान, इसको थोड़ी बुद्धि दे, चाहे तो इसको पकड़ ले, मुझको छोड़ दे, अगली बार आऊंगा तो नारियल फोड़ूंगा।
मिल गया इसको, अब ये क्या करेगा इसका? ठीक ठाक घर पहुंच जाऊं यही चाहता हूं। अब ये इसको रगड़ के क्या कर रहा है? रे 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 रे। अब इसको सूंघ भी रहा है। सर ये उल्लू नहीं और उसका गोबर भी नहीं है, ये उल्लू का ही है। मिल भी गया, चलो गोबर मिल गया ना, घर चलते हैं, अगले हफ्ते आते हैं, उसका पंख भी मिल सकता है, उसके अगले हफ्ते उल्लू भी मिल जाएगा। चलो सर अभी चलते हैं। सर सर सच बोलूं, उसका पंख। यस दिस इज इट, वो मिल भी गया। इसका रहना यही कहीं होगा। या अल्लाह, ये स्पॉट बेलेड ईगल का ही है। मुझको उल्लू मिल गया, दिल हमारा खिल गया। हाँ तेरे की लाइट चले गई सर। आ गई, मिल गया हमको तो उल्लू, मिल गया हमको तो उल्लू, मिल गया हमको उल्लू, मिल गया उल्लू, मिल गया। अरे दोबारा लाइट चले गई, फिर चले गई लाइट। पायल की आवाज, अच्छे क्या हो रहा है? पायल की आवाज आ रही है, पायल की आवाज आ रही है। छन छन खिड़कियां भी ढक ढक कर रही है, और ये चुक 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 कौन कर रहा है? अगर मैं चुपचाप जेल चला जाता तो पुलिस के लात खाकर कम से कम 2 महीने आराम से सो तो सकता था। टूर समझकर मैं इसके भरोसे यहाँ पर आया और यहाँ भूत का निवाला बनने जा रहा हूँ। अब लगता मैं नहीं बचूंगा। भूत 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 आया, भूत। लाइट आ गया रे, उठ। हाँ, चुड़ैल। भूत 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 भूत। तो क्या अभी भूत बोलते हो? भूत नहीं है तोते है, वो भी नाइट शिफ्ट में। इस तोती के साथ मेरी तोती भी आती तो धमाल हो जाता, फुल्टू धमाल, फुल्टू धमाल, धमाल। माँ खाने के लिए बुला रही है। मेरी माँ, ऐसे 2 मिनट तू अगर और पायल पहन के घूमती ना तो खाने की जगह पूरे गांव वाले मेरी तेरी का खाना खा रहे होते आज। निकाल पायल, निकाल जल्दी। नहीं मजाक कर रहा था। अरे अभी क्या हो रहा है? कितना सुंदर है ये पक्षी। अंदर और भी बहुत है। Lovebirds. क्या? इसका नाम, ये भी पैरट का ब्रीड है, अफ्रीका में ज्यादा देखने मिलता है। अरे ये कर्नाटक में भी बहुत सारे हैं। नहीं उतने ज्यादा भी नहीं है। खाना खाना है ना? ए सिरी चलो चलो हाथ धो के आते हैं, चलो। ओके रे साहब। आपको ये पता है क्या? हाँ पता है, इसे स्पॉट बेलीड ईगल बोलते हैं। बहुत ही विशिष्ट पक्षी है। इसके बारे में रिसर्च करने के लिए मैं आपके गांव आया हूँ। मैं इसे देख चुकी हूँ लेकिन ये ज्यादा नहीं दिखता। हाँ क्या? कभी देखा? बहुत दिन पहले, लेकिन दिखने में बहुत ही खतरनाक है। करेक्ट, उसका चीखना और भी खतरनाक है। नहीं मैंने तो ये नहीं सुना। मुझे ये पक्षी देखना है, ये कहाँ मिलेगा? अरे उसे देखना इतना भी आसान नहीं है, वो उस पहाड़ के उस बाजू जाना होगा, लेकिन वहाँ कोई जा नहीं सकता है। क्यों? वहाँ भूत है ना।
अरे भूत प्रेत को छोड़ो जी, अरे बहुत भूख लगी है, दौड़ के आओ जी। चलो चलते हैं। क्या चुड़ैल 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 रजाक, चारों ओर पेशाब करके बीच में खड़ा होने से भूत नहीं आता ऐसा सुना है, लेकिन मूतना भूत के चारों तरफ है, आपने चारों तरफ ये नहीं मालूम, क्या करे क्या करे। चप्पल नीचे रख कर देखता हूँ, अब कभी नहीं चिल्लाऊंगा, इतने दिन तूने मेरे पैर संभाले, आज सर संभाल, लगता है नींद आ जाएगी। चुड़ैल चुड़ैल डियर चुड़ैल, तू चाहे किसी को भी पकड़ लेकिन मुझे मत पकड़, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। मुख्यमंत्री को करने के लिए कुछ काम नहीं है ना, इसलिए वो तुम्हें उठाकर यहाँ लेकर आए। मुनिया लेके आया था, आप वहाँ पर क्या करने गए थे? बेटा, इस गांव में रात को बाहर जाना मना है, तुम्हें पता है ना, फिर भी क्यों गया? ये बेंगलोर नहीं है,
वही तो। ये बैंगलोर वाले ऐसे ही हैं। इन लोगों को ना सच को झूठ साबित करना और झूठ को सच साबित करना बहुत अच्छे से आता है, और फिर इनकी वजह से हम लोगों को तकलीफ होती है। हाँ, वही तो मैं भी बोल रहा था। ओह, आपके अनुसार सच क्या है और झूठ क्या है? वही तो है भाई भूत, अगर मैं वहाँ पर नहीं आता तो आज आपका भविष्य क्या होता? ओह, वैसे आप वहाँ क्या कर रहे थे? ए रॉबर्ट, गलत काम कर रहे हो तुम। मैं बोला था ना रात को बाहर नहीं निकलने के लिए, नीति नियम का पालन नहीं कर रहे हो। नहीं सर, मैं जिस उल्लू की रिसर्च कर रहा हूँ उसका आवाज सुना, उसे रिकॉर्ड करने गया था। उल्लू के चिकने का छोड़, अगर तू भी चिल्लाता तो तुझे सुनने वाला कोई नहीं था। चीख उल्लू की नहीं है, याद रख। मुनिया, आता हूं सर। देखो बच्चों, दोबारा इनको गुस्सा आया ना तो सही नहीं होगा। जो भी काम हो तुम लोगों का उसे शाम के पहले निपटा दो, ठीक है राधे? आई माँ। हाँ, उल्लू का पीछा किया तो भी डेंजर, तोती का पीछा किया तो भी डेंजर है। इसका क्या मतलब? कुछ भी नहीं माँ, कसम कुछ भी नहीं। नाश्ता करते हैं। हे श्री, मेरा टाइम इतना खराब क्यों चल रहा है? ये सब नसीब का खेल है रजा। नाश्ते में बुला रहे हैं, खा कर आते हैं। ओके। हाथ धो के आता हूँ। मुनिया उस वक्त वहां क्या कर रहा था? काले, कुछ तो है। अरे मेरी माँ, या अल्लाह, सब डबल बॉटम है। दिमाग बढ़ाने की जगह बॉडी बढ़ा दिया है। श्री, ए श्री, डोंट टच टू मच। श्री, सिग्नल जाने की तैयारी में ही रहती है हमेशा, लेकिन मैं छोड़ने वाला हूँ क्या? पकड़ लूंगा। कौन है वो लोग? वही हमारे घर की कॉफी और हमारे घर का सारा सामान लाने वाले। मतलब मर्चेंट, इंग्लिश टॉकिंग पैरट। बेटी, मैं मार्केट जाके आता हूँ। पापा। बाय बेटा। बाय पापा। ओह, क्या भक्ति, क्या विनयता, क्या श्रद्धा और क्या परंपरा है। किसका? वही आपकी बेटी कुमारा राधे। मेरी बेटी तो हमेशा से ऐसी है, बड़े लोगों का तो वो बहुत सम्मान करती है, भगवान पे बहुत श्रद्धा है उसकी। हाँ, और कृष्णा के ऊपर तो उसकी बहुत ज्यादा भक्ति है ना? हाँ वो तो है, आपको कैसे पता? अरे रेगिस्तान में पानी ढूंढने वाला आदमी हूँ मैं, उस दिन देखा ना, सुबह सुबह पैर में पायल बांधकर नृत्य कर रहे थे राधा कृष्णा, राधे कृष्णा समथिंग समथिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। मेरी बेटी को तो भक्ति गीत बहुत ज्यादा पसंद है, और आजकल के बच्चे फिल्मों के पीछे पागल हैं। अट्टू, अभी के बच्चे बच्चे नहीं हैं। इन बच्चों की वजह से मैंने अभी तक शादी नहीं की, और लगता है कभी करूंगा भी नहीं। आपको क्या लगता है मैं करूंगा क्या? वैसे जिम्मेदारी आने तक शादी नहीं करनी चाहिए। सही है लक्ष्मी। हाँ आई। के पैर में खुद की कुल्हाड़ी। रुक मैं ही आती हूँ। सो आप फिल्में नहीं देखते क्या? हाँ देखती हूँ ना, भक्त कुंभार, भक्त पुंडलिका। वहाँ भी कृष्णा है क्या?
अरे लक्ष्मी कहाँ हो, जरा घी दोगी क्या? काम कर रही हूँ। अच्छा अंदर ही आ जाता हूँ। या अल्लाह, कहाँ फंसा दिया आपने? ये तो उल्लू के रिसर्च के चक्कर में यहाँ तोते के पीछे पड़ा हुआ है। मैं भी तोते के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, लेकिन चील का डर है। यहाँ से भागने की कोशिश करूँ तो आगे जंगल है और पीछे भूत है। यहाँ से घर जाने के लिए अगर कोई फ्लाइट होता तो। हे श्री, फ्लाइट फ्लाइंग मी और नो? आई कांट हियर योर वॉइस, सिग्नल इज टू। अरे ये बोलने के लिए तेरी क्या जरूरत है? जा, तेरी माँ ने खाना बना लिया होगा, जाकर खा ले। साहब, 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 साहब। मुनिया। साहब, साहब, साहब। क्या हुआ तुझे मुनिया? साहब आग लग गई, साहब आग लग गई है, साहब आग लग गई है, साहब। मुनिया क्या हुआ, सीधा सीधा बोल। वो, अरे जल्दी बोल, क्या हुआ? हमारे छोटे साहब माधव साहब के कार में आग लग गई है, साहब। माधव का? साहब शाम को घर आते समय उनकी कार पेड़ से टकरा गई और छोटे साहब कार में जल गए, साहब। साहब, साहब, हे भगवान। ये देखिए साहब, ये देखिए साहब, ये देखिए साहब, ये सब क्या हो गया? यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुझसे कुछ जरूरी बात करना है, चल। तुम कुछ बोलना चाहते थे ना, बोलो। देख राधा, मैं तुम्हारे गांव में सिर्फ उल्लू के बारे में रिसर्च करने के लिए नहीं, फिर मुझे हमेशा एक सपना गिरता रहता था। उस सपने में तुम्हारा गांव, मारवे समुंदर, वो आग
जसा हुआ कार, वो लटकता हुआ पैर, भागता हुआ लड़का, ये सब आता रहता था। ऐसे ही मैं एक दिन बैंगलोर में, आज तो जरूर आएगा, मुझे पता था। आप मुझे बोल रहे हो क्या? अच्छा बाबा, मैं यहाँ आऊंगा, ये आपको कैसे पता चला? नींद नहीं आ रही है ना तुम्हें? हाँ। तुम्हारा अस्तित्व 150 साल पुराना है। जैसा तुम सोच रहे हो वैसे तो तुम हो ही नहीं बेटा। तुम इक्ष्वाकु वंश के युवराज हो। तुम रंधावा हो। तो जरूर आएगा, मुझे पता था। आप मुझे बोल रहे हो क्या? अच्छा बाबा, मैं यहाँ आऊंगा करके आपको कैसे पता? नींद नहीं आ रही है ना तुम्हें? हाँ। जब तक पाप नहीं मिट जाएगा नींद भी कैसे आ सकती है बेटा। इक्ष्वाकु वंश का युवराज तू है रंधावा। हेलो बाबा, मैं रंधावा नहीं हूँ, मैं रॉबर्ट हूँ। वो तो इस जन्म में हो, पिछले जन्म में तुम रंधावा थे। डेढ़ सौ साल पुरानी कहानी है। उस वक्त मेरे दादाजी राज भैरव सिंह के इस स्थान में राज ऋषि थे। राजा भैरव सिंह के बेटे युवराज रंधावा तुम ही हो। मेरे दादाजी ने मुझे राजा भैरव सिंह के बेटा युवराज रंधावा की सफलता की कहानियां बताते थे। उस युवराज रंधावा का चेहरा आज तक मेरी आंखों के सामने उसी तरह हूबहू छपा हुआ है। माँ, युवराज कौन है ये? मेरे बेटे युवराज ने एक लड़की का चित्र बनाया है, वो भी इतनी खूबसूरत सी। प्रशंसादायक है। माँ, वो एक जादू है। पहली बार उसे देखकर चित्रण करके उसकी खूबसूरती का आनंद लेते मैं ही उसमें समा गया। कहीं भी देखूं तो उसका ही छाया, इसीलिए आंखों पे कपड़ा बांध लिया। फिर भी हर जगह वही है। पे फूल चढ़ा
मुझको लगे तो है। अब नए ख्वाब है दिल में जगे, सारी जन्म मुझको तू ही मिले। मेरे मन का समंदर से पानी बने, हर पल आँखों में तेरा चित्र हो, पल इस दिल में तेरा इत्र हो। मेरे बाजियों का नूर मुझसे रहना तू दूर, आना मन की महफिल में धीमे धीमे, सपने सजाओ मैं धीमे। रूप की रानी है तू, मेरी कहानी है तू, तुझसे चांद शर्माए जब तू सजे, तुझसे चांद शर्माए जब तू सजे। करके आपको कैसे पता? आप तो इस राज्य के युवराज हैं, ये बात तो हर कोई जानता है ना। मैं इस मंदिर के पुजारी की बेटी हूँ, पद्मावती। युवराज, आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? जरा सा दिल पे। दिल की जो तड़पती हुई भावना है उसे समझना ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं समझ गई। पद्मावती, अरे आप ये क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। पद्मावती, मैं तो तेरा होने वाला पति हूँ, मैं हाथ नहीं पकड़ सकता क्या? ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ देवी माँ की मूर्ति का शुद्धिकरण कर रही हूँ, तो ये सब अच्छा नहीं लगता। पद्मावती,
दो मन मिलने के बाद हमारा एक होना अपराध है क्या? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे शर्म आ रही है। ये क्या हुआ? अरे ओ पापी, तूने ये कैसा घोर अनर्थ कर दिया? पद्मावती, मेरे मन में बसी हो तुम। उस प्रेमिका का कोई बलात्कार किया तो मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं। मेरे जान से ज्यादा प्यारे मंगेतर की तुमने हत्या कर दी। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। सिर्फ इस जन्म में तो क्या, 7 जन्मों तक मैं तुम्हें नहीं मिलने वाली। 7 जन्मों तक तुम तड़पोगे, तब भी तुम्हें प्यार हासिल नहीं होगा। पद्मावती, वही रुक जाओ, मुझे छूना मत, ये तुम्हारी गलतियों की सजा है। पद्मावती, जहाँ भी मैं देखूं वहाँ तू दिखे, जहाँ भी मैं जाऊं वहाँ तू दिखे, कहाँ तू चले गई मुझे सपने चल दिए। मेरे जान से ज्यादा प्यारे मंगेतर की तुमने हत्या कर दी। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। सिर्फ इस जन्म में तो क्या, 7 जन्मों तक मैं तुम्हें नहीं मिलने वाली। जहाँ भी मैं देखूं वहाँ तू दिखे, जहाँ भी मैं जाऊं वहाँ तू दिखे, कहाँ तू चली गई मुझे सारे सपने चल दिए। युवराज, 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 आप तो इस राज्य के युवराज हैं, ये बात तो हर कोई जानता है ना? युवराज, आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? हाँ, जरा सा दिल पे है। पद्मावती के साथ उस कुएं में गिरी हुई उस देवी की मूर्ति को उसी वक्त बाहर निकाल कर फिर से प्रतिष्ठापित करके महाचंडिका होम किए होते तो आज तुम्हारी ऐसी हालत नहीं हुई होती। चाहे जितने भी जन्म लग जाएं, तुम्हें ही उसे बाहर निकाल कर तुम्हें ही प्रतिष्ठापित करके महाचंडिका होम करवाना होगा। उसके बाद ही तुमको पद्मावती के श्राप से मुक्ति मिलेगी और उस कुआं के पास फिर कोई नहीं मरेगा। तो उस उत्तर का युवा राजा रंधावा है क्या? ये कहानी यहाँ की है तो ठीक है, उत्तर से यहाँ तक आके ठहरा हुआ राजा भैरवा सिंह का बेटा वो शापित युवराज रंधावा तुम ही हो? इसमें क्या सच है क्या झूठ है कुछ भी मुझे नहीं समझ आ रहा। अगर ये सिर्फ रंधावा का समस्या होता
तो इस गांव में लोग क्यों मरते हैं? मेरे सपनों में जो आता है वो इस गांव में क्यों हो रहा है? और तुम्हारे चाचा का मरना मेरे सपने में क्यों आना था? बाय द वे, वो छोटा लड़का कौन है? इसका मतलब नेक्स्ट उसकी माँ। कौन सा छोटा लड़का? यहाँ छोटा लड़का मुनिया का बेटा मनु है। इसका मतलब लक्ष्मी, हमें इसके लिए कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मैं उस कुएं में जाकर उस देवी की मूर्ति को बाहर निकालता हूँ और उस देवी की मूर्ति का महाचंडिका होम करके उसे मंदिर में प्रतिष्ठापन करवाना है। मुझे ये भूत पुनर्जन्म इस सब बात पर यकीन नहीं था, लेकिन तुम्हारे इस गांव में आने के बाद यहाँ क्या चल रहा है नहीं समझ रहा। तो फिर आप जैसा बोले वैसे ही उस मूर्ति का जल्द से जल्द स्थापना करनी होगी ना? हाँ, लेकिन हम उस कुएं तक जाएंगे भी तो कैसे? मैं ले जाऊंगी। थैंक्स राधा। अरे मेरी माँ, एक एक को काटेंगे तो तीन तीन लोग खा सकते हैं। यहाँ से निकलने तक मुझे सावधानी रखनी होगी, क्या करूँ? हे श्री, हाउ टू हिट गुंडास, टीच मी क्या मो खो खो। इट्स स्टिल वीक, नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क होता तो कुंफू कराटे सीखकर मेरे तोते को तोड़ा के लेके ही चला जाता। साहब, माधव भैया के बारे में सुन के बहुत बुरा लगा। घर गांव की तरफ ध्यान दीजिए साहब। जो होना था वो तो हो गया साहब, उसके बारे में सोच के क्या फायदा। ओह, क्या सर, गार्डन में घूमने गए थे क्या? हाउ आर यू मैडम, हाउ इज योर सेटलमेंट? मैंने सोचा कि खुशी से दो चार बातें करूं। ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई सैड मूवी देख कर आ रहे हो। लव बर्ड्स है ना, चलो छोड़ो जाने दो। मालकिन, क्या हुआ? क्या हुआ मालकिन? क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा पैर फिसल गया। ठीक, संभाल के चला करो, अंदर ले जाए इसे। चलो माँ अंदर चले। एक बात कहूँ, इन सारी घटनाओं को देखकर कोला करना सही रहेगा। जितनी जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा है। मुनिया। जी मालिक। कोला का व्यवस्था कर दे। ठीक है मालिक। ओह, गली का बकरा यही है। ओ भैया, केला का पौधा लगा रहे हो क्या? दिख नहीं रहा क्या? जल्दी लगाओ नहीं तो इसमें केला निकल जाएगा। हाँ, आ जाओ खिलाता हूँ। हे श्री, भूत भूत में क्या फर्क होता है, रियल भूत में और डुप्लीकेट भूत में? रज़ाक, भूत आराधना इज अ सेक्रेट स्पिरिचुअल एक्टिविटी फॉलोड इन फ्यू पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। लक्ष्मी, क्या हुआ, इतना क्यों घबराई हो? कुछ नहीं, मेरा तोता कुछ ज्यादा परेशान दिख रहा है आज। क्या हुआ इसे? आती हूँ अभी। देखो, इतनी जोर से दौड़ी मतलब कुछ ना कुछ तो समस्या है, है ना सर? कुछ नहीं, कुछ नहीं सर। हे श्री, जरा मैसेज करना। Thank you.
बोली देती हूँ। हे भगवान, अभी क्या करूँ? स्वीकार कीजिए। हे भगवान, आंखों से आंसू गिरा करके तू रुसवा, जल्दी जाने का सुना सुना तुझ बिन लागे ये सारा जहां। रौनक न होगी घरों में तेरे बिन, अब आंगन न महकेगा, मुझको खुद से ज्यादा तुझ पे विश्वास था। कैसे साथी मुझे बता, छोड़ के मुझे तू कहाँ हुई लापता। हाँ तू ना थी बेदर्दी, फिर क्यों देखी ना हम दर्दी, चली तू मर के कहाँ। तू तो थी दिल बन के धड़कन में सांस बन के, बोलो अब तुझको मैं ढूंढू कहाँ। मेरे जीवन की जीते थी तू, जैसे तन से जुदा हुई रूह, ज्योति शिकवे के लगती तू, अब तेरे बिन कैसे जीऊं। मुझको बता दे कैसे भुलाऊ तुझे, तू ही बता दे कैसे जीऊं मैं तेरे बिन अकेला, दुनिया का मेला मुझको सताए। अब राहें कहीं खो गई, मंजिलें भी नहीं दिख रही, क्या करूं मैं अकेला यहाँ तू लापता। सर, राधा इस वक्त अकेली कहीं जा रही है, चलो सर, चलो चल के देखते हैं। सच में? हाँ, चल। हाँ
इतने रात में अकेले कहाँ जा रही हो? छोड़ो हाथ, आप क्यों यहाँ आए? आपका जो भी है वो कैमरा, पक्षी और अकेलापन, यही आपकी दुनिया है। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। पहले ही मुझे प्यार से पालने वाले लोग, मेरी प्यारी माँ, दोनों को खो चुकी हूँ। तुम्हें भी खोकर मुझ में जीने की ताकत नहीं है रॉबर्ट। मतलब? मैं उस कुएं में जाकर खुद ही उस मूर्ति की स्थापना खुद अपने आप से करने वाली हूँ। चल, मैं भी आता हूँ। अरे, और मैं? कौन है वो? कौन है वो? तुम दोनों घर जाओ। रुक, सर, सर, सर। रॉबर्ट। कौन है तू? तू तो वही मर्चेंट है ना? मैंने तुझे काले के घर पे देखा था, यहाँ क्या कर रहा है? मुझे देखते ही क्यों भागा, बोल। छोड़ दीजिए साहब, मुझे कुछ भी नहीं पता है। क्या कुछ भी नहीं पता? भूत प्रेत करके सबको डरा कर चोरी कर रहा है क्या? बोल, क्या चोरी करने आया है? आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे? कौन है तू? मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, मैं एक जियोलॉजिस्ट हूँ। यहाँ गुफा के पास बड़ा खजाना है और उसे ढूंढने के लिए मुंबई से मुझे यहाँ भेजा गया है। बहुत दिनों से भूत के नाम पे खजाना ढूंढ रहे हैं। जो भी गुफा के पास आया तो भूत के नाम पर हम उसे मारते थे। क्या मारते थे? कौन? क्या हुआ? यहाँ से कोई दो लोग भाग गए। यहाँ से क्या? रॉबर्ट, नहीं रॉबर्ट, नहीं, अकेले चलिए सर, आप चलिए, चलो निकलते हैं। गए थे इतनी देर से? कहां गए थे इतनी देर से? वो साहब, तुम जरा चुप रहो। राधा, तुम्हें तो समझना चाहिए ना, घर में इतनी सारी समस्या है, ऊपर से गांव में मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, बाहर भूतों की भी परेशानी है, मेरी क्षमता की परीक्षा ले रही हो? जाओ अंदर। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। ये सब इंसानों की चाल है।
मत जा। ये कौन लोग हैं मुझे अच्छी तरह से पता है, मैं इनको देख लूंगा। ये लोग तुम्हारी जान ले लेंगे। ए रॉबर्ट, शेषा चला, तेरा अस्तित्व अगर मैंने नहीं मिटाया तो मैं भी राघव काले नहीं। साहब, मेरी बीवी नहीं दिख रही है साहब। वो पापी राघव काले ही ये सब करता है साहब, इसीलिए उसे खत्म करने के लिए आया साहब।
मुझे रोक कर आपने सही नहीं किया साहब। क्या बोल रहे हो मुनिया? हाँ साहब, मेरी बीवी जिंदा है कि मर गई मुझे पता नहीं है साहब। जिस दिन भूत भगाने की पूजा हो रही थी उस दिन छोड़ो, अभी याद आया क्या? मेरी बीबी से नजरें चुरा कर आना बहुत मुश्किल होता है जानू। फिर यहाँ क्यों आए? नाराज मत होना जानू, जल्द से जल्द उसका खेल मैं खत्म कर दूंगा। अभी कोला का वक्त हुआ है, मैं चलता हूँ। लक्ष्मी, अभी इसका मुंह मैं कैसे बंद करूं? ठीक है, देख लेते हैं। लक्ष्मी क्या हुआ, इतनी क्यों घबराई हो? कुछ नहीं मुनिया, वहां कुछ भी हुआ होगा, काले ने तेरी बीबी को कुछ किया होगा करके तेरा सोच गलत भी हो सकता है, चिंता मत कर। लक्ष्मी को हम ढूंढते हैं, तू यहां से चले जा, किसी को भी मत दिखना। तू यहां आया था करके किसी को भी मत बोलना, ओके? ठीक है साहब। आया नहीं, आ गया। रॉबर्ट, अब तुम लोगों का यहाँ रहना ठीक नहीं है, कल ही तुम गांव चले जाओ, मैं तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। जिंदा रहे तो लहंगा ब्लाउज सिलाई करके भी जी सकते हैं, सब कपड़े मैंने पैक कर लिए हैं। काला अंडरवेयर बाथरूम में सुखाने को डाला था, सूखा कि नहीं देखता हूँ। रॉबर्ट, पापा सही कह रहे हैं, हमारी शीशा चला, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे घर में आके मुझे मारने का तरीका सिर्फ तुझे ही आता है, आज मैं तेरा खेल खत्म ही कर दूंगा। मत जाइए पापा, भगवान के लिए रुक जाइए। रॉबर्ट, इस झगड़े के जिम्मेदार बाजू वाले गांव के जमींदार हैं, इसलिए बाबूजी उन सबको मारने के लिए गए हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। डरना मत, आज सबका अंत हो जाएगा। रजाक, मैं तुझे फोन करूंगा, मैं जहां बोलूं वहीं चले जाना। अरे मोबाइल यहीं छोड़ के गए हैं। अरे तू क्या पागल हो गया है क्या मुनिया? राघव, आज तेरी कहानी खत्म। लक्ष्मी, लक्ष्मी,
मैंने कुछ भी नहीं किया है। सांप कैसे मर गए मुझे पता नहीं। पापा, पापा उठ जाओ पापा, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उठ जाओ पापा, बात करो पापा, एक बार उठो ना। हे दुष्ट इंसान, क्यों किया तूने ऐसा, बोल। रॉबर्ट, इतना होने के बाद भी तू सच क्यों छुपा रहा है, बोल दे। बोलता क्यों नहीं कि असली नीच कौन है, बोल दे। कालिन ने तेरी बीवी को कुछ किया होगा करके तेरा सोच गलत भी हो सकता है, इसमें इंसानों का हाथ है। मैं रॉबर्ट डिकोस्टा नहीं हूं। रांदोवा, रांदोवा ही, लेकिन राजा रांदोवा नहीं। वो तो कहानी के राजा का नाम था जो मां सुनाया करती थी। उसी कहानी को ट्विस्ट करके तुम सबको बेवकूफ बनाया मैंने, लेकिन बाबा ने कुछ और ही कहा था। मैं यहाँ आऊंगा करके आपको किसने बताया? नींद नहीं आने की दवा तो मेरे पास ही होती है बेटा। ये लो, तुम्हें जो चाहिए ले लो। पकड़ो। गांजा, क्या है ये बाबा? मुझे लगा था आप कुछ बोलोगे। आप तो मेरे सपने से भी डेंजर हो, मुझे नहीं चाहिए आपका संगत। जहां जाना है जाओ, मेरी दवा ढूंढते ढूंढते वापस आओगे ही। तेरा बाप, मां, चाचा, इन लोग को मारने वाला कौन है पता है? भूतनाथ। यस, भूतों पे मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अनुभव होने के बाद यकीन करना पड़ा। यस, भूत है। जानना चाहोगी वो भूत कौन है? राघव, माधव, अभी आए हो क्या? कैसे हो? क्या हाल बना लिया है ये? जीजा जी, क्या बोलूं जीजा जी, सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया जीजा जी। आगे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम सब मरने जा रहे हैं।
लेकिन इस बच्चे की शक्ल देख के मरने का मन नहीं किया। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हम आपके पास आ गए। अब आप ही हमारा सहारा हो जीजा जी। अब आप ही हमें बचा सकते हैं। अगर आप हमें आश्रय देंगे तो आपकी सेवा करने के लिए यही रह जाएंगे। उठ जा। हम लोगों के होते हुए तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। भगवान बहुत बड़ा है, बहुत जमीन है। हम सब मिलके भू माता की सेवा करते हैं। ठीक है जीजा जी, ठीक है। भू माता भरोसा करने वालों का साथ देती है। आजा बेटी, आजा। रो मत बेटा, आ जाओ। चुप हो जा, चुप हो जा। पहले कुछ खा पी लो, बातें तो होती रहेंगी। रो मत बेटा, रो मत। क्या ये इतना चमक रहा है? भैया क्या हुआ? इधर आओ, इधर आओ। आ रहा हूं। क्या है वो? भैया इधर देखो। अरे बाप रे, क्या है वो? यही है रंधावा की कहानी बेटा। तू भी रंधावा जैसा सुंदर है ना, इसीलिए तेरा नाम रंधावा रखा है। भामा, राधे कहाँ है? अभी उसे सुला के आई हूँ दीदी। दीदी, ये रंधावा की कहानी बहुत सुंदर है। एक परंपरा की तरह इस कहानी को घर में हमेशा सुनाते हैं। खा लो। मैं ना जाने कब रंधावा की कहानी सुनाकर अपनी बेटी को खाना खिलाऊंगी। वो भी हो जाएगा, तुम भी जल्दी ही कहानी सुनाओगी। माधवा, ये सब असली सोने के सिक्के हैं क्या? हाँ भैया, असली सोने के सिक्के हैं ये। अगर इसको बेच दिए तो हम कितने अमीर हो जाएंगे ना? बहुत अमीर हो जाएंगे भैया। इसे हम जल्दी जाके बेच देंगे। हाँ, जल्दी बेचते हैं भैया। हाँ, जल्दी अमीर हो जाएंगे हम। राघव, माधव, क्या कर रहे हो? जीजा जी, सोने के सिक्के। जीजा जी, वो पहाड़ के बाजू वाली जमीन के पास मिला है। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे सोने के गहने हैं वहाँ पर। सोने की मूर्ति, हीरे, पन्ने और भी बहुत कुछ है वहाँ पर। जीजा जी, हम और भी अमीर हो जाएंगे जीजा जी। राघव, ये सब हमें नहीं चाहिए। उस भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसे गांव के गरीबों को बांट देते हैं। ऐसा मत करो जीजा जी। ए तो चुप बैठ। ठीक है जीजा जी, मैं बाकी का भी लेके आता हूँ। नहीं राघव, वो सब मैं देख लूंगा, तुम परेशान मत हो। सबसे पहले ये शुभ समाचार गांव वालों को देते हैं। ठीक है जीजा जी। ऐसे ही भू माता की पूजा में सबको बुला लेते हैं और वहां पर इसे सब में बांट देंगे। कहाँ बोला तूने? पहाड़ के बाजू के जमीन के कुएं के पास ना। पहले इसे अंदर रख। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। अगर ऐसा कुछ हो गया तो जिंदगी भर हमें नौकर की तरह ही रहना पड़ेगा। इससे पहले कि जीजा जी इसको बांट दें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ जी, माधव सही बोल रहा है। और कितने दिन हम ऐसे ही रहेंगे? हमें अच्छा मौका मिला है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। हाँ भैया,
माधवा जीजाजी को मुक्ति दे दे। छी पापी लोग, जिस इंसान से सहारा मांगा उस इंसान ने तुम्हें सहारा दिया, उसी का कत्ल करने जा रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है बहन। तुम्हारी बहन हूँ, इस बात की शर्म आ रही है मुझे। निकल जाओ यहाँ से। कैसी शर्म? तू बच्चे की तो शर्म ना, तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। माधव पकड़, पकड़ इसे, इसका खेल ही खत्म कर दे। माधवा इसे लेके जा और किसी पेड़ से लटका दे, और जीजा को और उसके कार को चला दे। इनकी मौत की खबर सुनकर गांव के सारे लोगों को ये बता दे कि डर के मारे इसने फांसी लगा ली। ठीक है भैया, बाकी मैं सब देखता हूँ। ठीक है। सुनिए, वो रांधवा कहाँ है? रांधवा कहाँ है? वो गया तो जाने दो, और अगर कभी वो वापस आ भी गया तो इसके जैसा उसका भी हाल कर दूंगा। वही आखिरी दिन था। बाबा माँ करके पुकारा था, रहने के लिए जगह नहीं होकर भीख मांगते आए हुए तेरे माँ बाप को बाबा ने रहने के लिए जगह दिया। ऐसे भगवान जैसे इंसान को मारकर गली का शव बना दिया। अभी भी मेरे आंखों के सामने पेड़ पे लटका हुआ मां का लाश। खून से लथपथ बाबा का लाश। वो सब मैं जिंदगी भर सच में भूल नहीं पाऊंगा, भूल नहीं पाऊंगा। वही वक्त था तब मुझ में भूत समा गया। बदले का भूत, तेरे माँ बाप को चढ़ा हुआ पैसे का भूत से जैसे उन्होंने मेरे माँ बाप को मारा था, ठीक उसी तरह तेरे पूरे खानदान को खत्म करने का डिसाइड किया। कौन है रे तू? रांधवा रेंजर। रांधवा ही हूँ।
गलती से उस समय लक्ष्मी ने हादसा देख लिया था, इसीलिए यही वजह इसे भी किडनैप करना पड़ा मुझे। मैंने लेकिन तुम्हें बचा लिया, जानती हो क्यों? तुम निर्दोष हो, इस पाप में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। तुम बहुत अच्छी हो, पहले दिन से मुझे पता नहीं तुम पर प्यार बढ़ता ही गया, लेकिन वो बदले का भूत थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ। लेकिन अब वो बदले का भूत भाग गया। तुमने पापी कहा ना, अब बताओ कौन असली पापी है? राधे, मुझे भी पता है तुझे मुझ पर प्यार है। क्या अब भी तुम्हें लगता है मैंने कुछ गलत किया है? मैंने तुम्हारे सामने घुटने टेक दिए हैं, गले लगाओगी या गला काटोगी वो मैं तुम पर छोड़ता हूं।